तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, और अभी देखते हैं हम अभी चांदनी चौक पहुँचे हैं। और ये सब मेरे साथ मुमताज है, हम लोग यहीं पे आए हुए हैं अभी, और उसके बाद कुछ कुछ खरीदते हैं। मुझे सूटकेस ले लिया हमने और कुछ कुछ और सामान जो कि मुमताज डाल रहा है बैग पे, और यहाँ से बिग बाज़ार से ही हमने ये ख़रीदा है। मात्र ये हमको पड़ा 2500, 2500 में ये सूटकेस मिला है, सफारी का है, बहुत अच्छा ऑफ़र मिल रहा है अभी। उसके बाद सीधे हम लोग पहुँचे डेली मार्केट, डेली मार्केट में कुछ कुछ शॉपिंग की है। उसके बाद फिर हमें जाना है अभी खाने के लिए, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। तो अभी हम आए हैं जो विष्णु गली पे एक होटल है, जो अभी मॉडिफाई करके, ये बहुत पुरानी होटल थी जिसे मॉडिफाई करके अभी नया बनाया गया है। ये डेली मार्केट के पास ही है विष्णु गली पे, तो वहीं आए हैं। यहाँ आपको बहुत सारे फंक्शन और मैरिज हॉल और बहुत सारे आपको ऐसे मिल ही जाएंगे यहाँ पे इसके अंदर। सबसे मज़ेदार बात है यहाँ पर मुमताज ने ये काम किया है, ये आप जो पोस्टिंग देख रहे हैं यहाँ पे, जितने पानी का काम, जो प्लम्बरिंग का काम होता है, वो तो सारा काम मुमताज किया है, यही किया है मुमताज, तो इसीलिए हम यहाँ आए हुए हैं। ये है, यहीं पे हम अभी खाना खाएंगे। ऑर्डर किया है उल्टा तावा पराठा, चिकन डैक बैंगलो और गुलाब हॉट गुलाब जामुन। तो चलिए मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। तो शाम भी हो गई है और अब हमें अब जाना होगा घर के लिए। देखिए सारा पैकिंग हो गया है मेरा, ये पे चढ़े हुए हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं ये। ठीक है, जा ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक तो जैसा कि देखा आपने, घर वाले छोड़ने आए थे बाहर मुझे, और यहाँ पे मैं स्टेशन पहुँच रहा हूँ अब। है और भाई लोग से अभी विदा लेने का टाइम हो गया, मैं ट्रेन पे बैठ गया हूँ, ट्रेन भी चल पड़ी है मंजिल की ओर। दोस्तों मैं मिला हूँ अजहर भाई से दिल्ली पे, मैं दिल्ली पहुँच गया, दिल्ली स्टेशन पे अजहर भाई को मैंने बुलाया, ये यहीं रहते हैं दिल्ली में ही, और ये है अजहर भाई। अब मेट्रो पे हम लोग आ चुके हैं, क्षेत्र में आ चुके हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट वाले क्षेत्र हम लोग कवर करने वाले हैं। कुछ दूर पैदल चलने के बाद पहुँच गए हैं अजहर भाई के रूम, और यहाँ मैं फ्रेश हुआ, उसके बाद अब खाने के लिए चलते हैं, ज़्यादा भूख लगी हुई है तो कुछ खाते पीते हैं। हमने ऑर्डर किया ये चिकन बिरयानी, यह है खजूर मिल्क शेक, काफ़ी मज़ेदार था।
इसके बाद शाम को फिर मुझे बस पकड़नी है, तो सीधे हम रूम चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं। ऑर्डर करने के लिए हम रेडी हैं, अब देखते हैं क्या होता है। तो खाना खाने के बाद अब 8 बजे के लिए बस पकड़नी है मुझे, तो ऑटो बुक कर लिया। अब चलते हैं सीधे स्टेशन। बस में बैठ गया हूँ और ये बस पूरी तरह से अभी खाली है। मुझे ही बोर्डिंग पॉइंट पे, मैं सिर्फ अकेला हूँ आज और मैं जा रहा हूँ दिल्ली टू कंडा घाट। बस पूरी तरह से खाली थी। अभी जाके कुछ देर बाद मजनू का टीला एक जगह है दिल्ली पे, वहीं पे यहाँ पे सब पैसेंजर भरे हैं यहाँ पे। इसके बाद ये 11 बजे रात को रुकी है एक रेस्ट पॉइंट पे, जो कि है साने पंजाब, शायद पंजाब पे ही है ये। तो यही बस है जिग बस, अच्छा सर्विस दी थी। खाने पीने के बाद मैं सीधे सो गया था और सीधे हिमाचल के कंडा घाट पे मैं उतरा, जहाँ पे आप देख सकते हैं वहाँ का सीन इस तरह से है। नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है हिमाचल पे, बहुत मज़ा आया। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। इनसे मिलिए, ये है रौनक सर, इन्हीं के साथ मैं यहाँ रहने वाला हूँ। अभी शिमला तक के लिए नेशनल हाईवे बन रही है, तो यही है हम लोग अभी। ऐसा जगह आपको बहुत सारे जगहों पर मिल जाएगी, जो नेचुरल पहाड़ों के बीचों बीच से आ रही है पानी, तराई से, जो काफ़ी फिल्टरेड है और इसे आप पी सकते हैं। यहाँ पे आप जो बंदर देख रहे हैं पीछे, मेरे पीछे, खूबसूरत तो है, मानना पड़ेगा बॉस। हिमाचल बहुत ही खूबसूरत जगह है। शिमला मैं जहाँ था उससे 2 घंटे के, 1.5 घंटे की दूरी पे है, पर खूबसूरत के साथ साथ यहाँ पे रिस्क भी है काम करने का। रोड वर्क जो हो रहा है, पर आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी पहाड़ स्लाइड हो जा रही है। ये जो कटिंग हो रही है पहाड़ों के बीच, रोड को चौड़ीकरण, रोड जो NH में तब्दील हो रही है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। ये रोड शिमला की ओर जाती है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे स्लाइडिंग होती है। ये जो वर्क कर रहे हैं, मशीन लगी हुई हैं पहाड़ को काटने के लिए। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पहाड़ ऐसे गिरते रहते हैं, अभी तो ये कुछ नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा वहाँ पे काफ़ी पहाड़ स्लाइड हो रहे थे, वीडियो में तो मैं उतना दिखा नहीं पा रहा हूँ, पर काफ़ी स्लाइड हो जा रहे थे पहाड़, तो रिस्की है काम करने का वहाँ, इसीलिए मैं वहाँ से वापस आ गया और रौनक सर भी वहाँ से वापस आ गए। हम लोग दोनों ने बस पकड़ी 11 बजे रात को कंडा घाट से, और कंडा घाट से सीधे दिल्ली पहुँचाई हमें 6 बजे सुबह। तो वहाँ से हमें और बहुत सारे रीज़न थे जो कि वहाँ पर मैंने आपको शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, चलिए सॉरी। और वहाँ से हम लोग वापस आ गए हैं, फिर रौनक सर अपने घर चले गए हैं और मैं वहाँ से दिल्ली रुका अजहर के पास फिर से। और वहाँ फिर मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं उसके लिए मैं दूसरा पार्ट बनाऊँगा, दिल्ली में मैंने कहाँ कहाँ घूमा, क्या किया, कितने दिन रुका, तो उसके लिए दूसरा पार्ट मैं बनाऊँगा। वीडियो काफ़ी बहुत लंबी हो जा रही है, तो उसके लिए मैं वीडियो को इसको यहीं तक रखता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएं, और बस दैट्स अबाउट इट। मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें।